हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश, नॉलेज इज पावर से। भाई अब वक्त है टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 के आपको बताने का। कौन कौन से ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन्स हैं जो 12,000 से 20,000 की रेंज में आप परचेज कर सकते हैं। सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है ऑनर प्ले, जो कि लॉन्च हुआ है 1999 की प्राइस पर, ऑलमोस्ट 20,000 है। ये सबसे लेटेस्ट हार्डवेयर पर बना है, क्रिन 970 का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, जीपीयू टर्बो 3750 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 6.4 इंच का फुल व्यू वाला फुल HD प्लस डिस्प्ले। 6.4 इंच का भाई फुल व्यू का डिस्प्ले आपको अंडर 20,000 मिल रहा है ऑनर के स्मार्टफोन में। डुअल 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का AI कैमरा। AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कुछ दिनों में आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे क्या है, कैसे वर्क करता है। सबसे बड़ी चीज़ जिसमें भाई 3750 mAh की बैटरी तो है, फास्ट चार्जिंग भी है, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दे रहा है, क्रेन का 970 प्रोसेसर दे रहा है, टाइप सी है, 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए आपको कोई ऐसी चीज़ मिली, फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग डेट यू कैन नॉट बाय और डोंट नो व्हाट इज दिस, मतलब आपको पता नहीं कि भाई ये क्या चीज़ है और कहाँ से इसे मैं परचेज करूँगा, जस्ट पुट द कैमरा ऑफ दिस फोन एंड इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट व्हाट इज दिस एंड वेयर यू कैन बाई दिस। मतलब आप उसको कैमरा को उसके ऊपर रखिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा ये इसे भैया डिटेक्ट कर लेगा और जहाँ से मिलता है वहाँ पर ही आपको ले जाएगा, तो है ना ऑसम फीचर। अगले स्मार्टफोन की बात करें वो है भाई रेडमी नोट 5 प्रो। अगर आप भाई 20,000 का बजट नहीं, थोड़ा सा कम लेके चल रहे हैं कि भाई मुझे अंडर 20,000 ही लेना है, 12 to 20, तो थोड़ा सा कम ले लीजिए। 17,000 में रेडमी नोट 5 प्रो मिल जाएगा आपको, 6 GB 64 GB वेरियंट वाला, 6 GB वाला, 6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी, 18:9 का डिस्प्ले मिल जाएगा, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा, 16+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा, 4000 mAh की बैटरी इसमें आपको मिल जाएगी, 4D गेमिंग का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा भाई, स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर मिल जाएगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी एक्सपेक्ट ओपन सेल के अलावा। ओपन सेल में नहीं मिलता है भाई, आउट ऑफ स्टॉक होता रहता है, आपका अगर लक अच्छा है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन 17,000 में बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, 6 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। अगले स्मार्टफोन की बात करें वो है सैमसंग गैलेक्सी J8, 18990 का 6 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन मिल जाएगी, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा इसमें आपको मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर 18990 में, इससे अच्छा तो एग्जीनोस का प्रोसेसर दे देता सैमसंग जो देता रहता है। 19,000 के फ़ोन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको स्नैपड्रैगन का 450 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि Redmi 5 में 6000 वाले फ़ोन में आ जाता है। आई डेंट एक्सेप्ट दिस। 3150 mAh की बैटरी और एक खासियत है इसमें ट्रिपल सिम मतलब ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर आप इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो वो है भाई हुवाई का P20 Pro 19999 का ये स्मार्टफोन है, 4 GB रैम, 64 GB की इंटरनल मेमोरी, 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। जी हाँ, अगर जिन्हें सेल्फी लेनी है बोके मोड में स्पेशल इफेक्ट में तो आप इसे स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं, 16+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा, F2.2 वाइड अपर्चर के साथ वाइड वाला एंगल आपको मिलेगा इसमें, 3D पोर्ट्रेट्स आएंगे ऑफकोर्स, 5.84 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, सेम क्रिन का 659 का प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाएगा, 3000 mAh की बैटरी और फेस अनलॉक। लेकिन मैं हुवाई P20 लाइट से ज़्यादा आपको ऑनर प्ले रिकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट हार्डवेयर वाला ऑनर प्ले जाके लीजिए। अगले फ़ोन की बात करें कि भैया नोकिया का फ़ोन चाहिए हमें, तो भाई नोकिया का ट्रस्ट है, नोकिया फ़ोन पसंद है तो नोकिया 6.1 आप परचेज कर सकते हैं, 7940 का, 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का 630 प्रोसेसर, 2.2 GHz पर रन करता है, 3000 mAh की बैटरी और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। यही है, अच्छा स्मार्टफोन है लेकिन ये फीचर्स ज़्यादा नहीं है भाई कंपनी का स्मार्टफोन है, नोकिया सैमसंग ये फीचर्स ज़्यादा नहीं देते ज़्यादा बड़े फ़ोन्स में, इनके फीचर्स के लिए आपको बहुत बड़ा बड़ा फ़ोन लेना पड़ता है, जैसे कि मेरा S7 है जो मैंने 30,000 रुपये में लिया था, फ्लैश सेल चली थी तब फ्लिपकार्ट पर, अब तो काफ़ी सस्ता मिला, इतने स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर यानी कि एक्सीनोस का 7898 है जो कि उसी के कंपेयरिंग बड़ा होता है और कैमरा वगैरह सारा कुछ अच्छा है, आप देख सकते हैं S7 से वीडियो बन रही है तो क्वालिटी आपको पता चल रही होगी कि किस तरह से वीडियो है,
लेकिन भाई प्रोसेसर वही 450 दे रहा है सैमसंग का जेट, आप ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपका बजट फिक्स 20,000 है तो आप ऑनर पे ले लीजिए, अगर थोड़ा सा कम है तो रेडमी नोट 5 प्रो, अगर आपका लक अच्छा है तो, अगर आपको मिल जाए तो आप और भी कोई फ़ोन ले सकते हैं, सैमसंग का भी ले सकते हैं, अगर नोकिया का ट्रस्ट है नोकिया का भी ले सकते हैं। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक और शेयर मत करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।